अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम युनजियांग को देखते हैं जो टेलीस्कोप से डिसेबल मिस्टर फू पे नजर रख रही थी, जबकि उसकी मॉम उसे अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने को बोल रही थी। डिसेबल मिस्टर फू का मैनेजर उसे देख लेता है तो वो डर के मारे छुप जाती है। वेटर उसे उसकी आइसक्रीम दे देती है बट वो देखती है कि वो दोनों तो वहाँ पे है ही नहीं। मैनेजर उसे पकड़ लेता है बट वो भागने लगी थी और पट्टे से जाकर किसी की गोद में गिर जाती है बट वो तो मिस्टर फू था तो डर जाती है। मैनेजर पूछता है तुम हमें स्टॉक क्यों कर रही थी, बट वो डर के मारे फिर से गिर जाती है और उसकी आइसक्रीम मिस्टर फू की गोद में। वो दोनों हैरान बट युनजियांग भाग जाती है और भागते भागते खम्बे से टकरा कर बुड़क जाती है। इनफैक्ट युनजियांग एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती है और मिस्टर फू फू कंपनी का यंग मास्टर है। उसके हैंडसमनेस की वजह से गर्ल्स उसकी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए युनजियांग ने मिस्टर फू के बेस पर एक रोमांटिक कॉमिक बनाई है ऑफकोर्स इससे पैसे कमाने के लिए। बट मिस्टर फू को उस कॉमिक का पता चल जाता है तो मैनेजर से कहता है जल्दी से जल्दी इसका दी एंड कर दो। युनजियांग को उसके एडिटर का फोन आता है जो कहता है अभी की अभी पहुंचो यहाँ, तुमने बवाल कर दिया है। वो जल्दी जल्दी रेडी शेडी होके भागती है वो भी अपनी फटफटिया पे, बट उसकी फटफटिया जाके ठुक जाती है और वो नीचे पता चलता है जिससे वो टकराई थी वो मिस्टर फू की कार है। तो मैनेजर कहता है तुम हमारा फिर से पीछा कर रही थी। देन शी वाज लाइक नहीं नहीं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, बट वो पुलिस को कॉल करने लगा था। वो उसे रोक रही थी पर मिस्टर फू मैनेजर को आवाज लगा लेता है तो वो चला जाता है। वो सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था मिस्टर फू कितना काइंड है। तभी एडिटर बताता है कि मिस्टर फू ने हमारी कॉमिक कंपनी पे केस कर दिया है कि तुमने उस पे कॉमिक बना के उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की है, हम तो बर्बाद हो गए। वो कहती है क्यों ना पहले आप मुझे पिछले 2 महीने की सैलरी दे दें। एडिटर वाज लाइक तुम पगला गई हो क्या, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी कंपनी प्रॉब्लम में आ गई, मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के भाग गई, अब मेरे पास अपने बेबी को देने के लिए मिल्क भी नहीं बचा, ये इसकी लास्ट मॉडल है, प्लीज मुझ पे दया करो। वो कहती है ओके ओके मैं कुछ करती हूँ, फिलहाल मेरे पास सिर्फ 100 है, बेबी के लिए मिल्क ले लेना। बट वो पैसे लेके कहता है ये काफी नहीं है। फिर वो मिस्टर फू से मिलने जाती है बट सिक्योरिटी गार्ड उसे भगा देता है तो वो कुरियर गर्ल बनकर आती है। गार्ड को उस पे शक था बट वो उस पे सामान फेंक के अंदर भाग जाती है। मैनेजर उसे पहचान लेता है, तभी गार्ड्स के धक्का देने पे वो फिर से मिस्टर फू की गोद में गिरने वाली थी बट वो व्हील चेयर मोड़ लेता है तो वो पट्टे देना नीचे ठुक जाती है और फिर भोली भाली शक्ल बनाती है। मिस्टर फू स्माइल करता हुआ हाथ आगे करता है तो वो उठकर कहती है थैंक यू मैं ठीक हूँ, तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। बट मिस्टर फू के इशारा करने पे गार्ड उसे उठाकर ले जाता है और मैनेजर कहता है मिस्टर फू को स्टॉक करना बंद करो वरना थाने में पहुंचा दूंगा। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मिस्टर फू अपना केस वापस ले ले। बट उसे जाना पड़ता है। वो फिर से पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है मिस्टर फू से मिलने बट गार्ड उसे सीसीटीवी में देख लेता है और पकड़ने आने वाला था पर वो कार के डिक्की में छुप जाती है तो गार्ड को लगता है कि वो भाग गई होगी। मिस्टर फू और मैनेजर कार लेके चले जाते हैं और डुरेन बार बार उसकी टकली पे ठुकरा था। शोर सुन वो कहता है डिग्गी में क्या है। मैनेजर कहता है ग्रैंडपा के लिए डुरेन, क्या ग्रैंडपा के पास जाना है। वो कहता है नहीं घर पे। जब बटलर कार की डिग्गी खोलता है तो वहाँ पे हेलमेट पहना हुआ डुरेन मिलता है क्योंकि वो तो घर के अंदर घुस गई थी और मैनेजर को देख रूम में छुप जाती है। जबकि उस रूम में मिस्टर फू था, वो चिल्लाने वाला था बट वो उसका मुंह बंद कर देती है और उसे देख कहती है तुम खुद नहा लेते हो, मुझे लगा था मैनेजर तुम्हें नहलाता होगा, प्लीज अपना केस वापस ले लो। वो हाथ हटाने का इशारा करता है तो कहती है पहले प्रॉमिस करो कि तुम चिल्लाओगे नहीं। और उसके छोड़ते ही मिस्टर फू को सांस आता है बट उसके बटन दबाने से सायरन बजने लगा था। वो कहती है झूठे कहीं के, तुमने तो प्रॉमिस किया था। मैनेजर आ जाता है और उन्हें इस पोजीशन में देख के हैरान तो वो जल्दी से उसके कपड़े ठीक करके उठ जाती है। मैनेजर वाज लाइक हर बार तुम ही क्यों होती हो। वो कहती है सॉरी मैं बस अपनी कंपनी के लिए आई थी। बट मिस्टर फू से बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देता है। तभी मिस्टर फू की आंटी की आवाज आती है तो वो मैनेजर को बाहर भेज देता है। उसे अपनी तरफ घूरता देख वो कहती है तुम रिच हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, मुझे कराटे भी आते हैं।
वो कहता है अगर तुम्हें अपनी कॉमिक कंपनी को बचाना है तो चुपचाप मेरी बात सुनो। आंटी आकर कहती है तुम मेरी बताई हुई डेट पर क्यों नहीं गए। वो कहता है मैंने तो कभी हाँ की नहीं थी। आंटी कहती है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं और ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो। वो लड़की काफी अच्छी है। वो मना कर देता है और ब्लैंकेट उघाड़ के कहता है क्योंकि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। आंटी वास लाइक तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। युनजियांग सब समझ आती है और कहती है मुझे और मिस्टर फू को फर्स्ट साइड में ही लव हो गया था। ये बहुत ही काइंड है, जेंटल है, मुझे कभी बाहर नहीं फिकवाता। आंटी को अभी यकीन नहीं आ रहा था तो उल्टी करने का नाटक करती हुई कहती है लगता है कोई मेरे पेट में किक कर रहा है। मिस्टर फू मुझे खट्टा खाने का मन है। आंटी वास लाइक क्या तुम। वो कहती है हाँ सही पकड़े हैं, मैं बिल्कुल वही हूँ जो आप सोच रही हैं। आंटी कहती है मिस्टर फू तूने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। बट युनजियांग वास लाइक बढ़िया एक्टिंग की ना मैंने, अब तो तुम केस वापस ले लोगे ना। वो कहता है तुम्हें पता है धोखा देने के जुर्म में जेल कब से तुम्हारा वेट कर रही है, पर तुमने अभी मेरी हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और उसे बाहर फेंकवा देता है। मैनेजर वास लाइक फिर से कभी अपना थोपड़ा मत दिखाना वरना पुलिस का थोपड़ा देखना पड़ सकता है। तो वो मिस्टर फू को गालियां दे रही थी। खड़ूस ग्रैंडपा आते हैं बट उनका फेस नहीं दिखाया जाता। आंटी उन्हें सब बता देती हैं। तो वो कहता है वो प्रेग्नेंट नहीं है, बस वो थोड़े बीमार है। आंटी कहती है कहीं तुमने वो लड़की रास्ते में से तो नहीं उठा ली। तो वो झूठ बोल देता है कि वो लड़की यून ग्रुप की बेटी है। इनफैक्ट यून ग्रुप कई सालों से फॉरेन में रहते हैं तो किसी ने भी उनकी बेटी को नहीं देखा था। ग्रैंडपा उसे उस लड़की से मिलवाने को बोल देते हैं। युनजियांग हॉस्पिटल आके देखती है कि मॉम रो रही हैं, पर पता चलता है कि वो तो ड्रामा देख के रो रही हैं। तभी नर्स एक पेशेंट को लेके आती है जिसकी बिल्डिंग से कूदने से हड्डियां टूट गई थी। मिस्टर फू उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनने को कहता है जिसके बदले में वो एक तो वो केस वापस ले लेगा, दूसरा उसे पैसे भी मिलेंगे। बट वो मना कर देती है तो कहता है मैंने सुना है तुमने कॉमिक में हम दोनों की लव स्टोरी लिखी है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम फेमस हो ना, मैंने बस रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा लिखा था। मिस्टर फू कहता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे क्लोज रहोगी तो और अच्छे से कॉमिक लिख पाओगी और मैं तुम्हारी बीमार माँ का इलाज भी करवा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो पूछती है तुमने मुझे क्यों चुना। मिस्टर फू वास लाइक क्योंकि तुम दुनिया की आखिरी लड़की होगी जिससे मुझे लव होगा। वो कहती है कॉमिक के हीरो हीरोइन भी यही डायलॉग मारते हैं बट इन द एंड उनमें रोमांस हो ही जाता है। वो कहता है सही कहा, मैं हीरो हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हीरोइन हो। वो कहती है डोंट वरी, अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना तब भी मैं तुम पे लट्टू नहीं होऊंगी। और गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वो कहता है कल तुम्हें मेरे ग्रैंडपा से मिलना है। वो कहती है तुम्हारा मतलब फू कंपनी का वही खड़ूस बुड्ढा। बट नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडपा से मिलने आए थे। वो नर्वस हो रही थी इसलिए वॉशरूम चली जाती है बट घर इतना बड़ा है कि वो खोई जाती है और एक ओल्ड मैन को बैठे देख उनसे रास्ता पूछने जाती है। उस ओल्ड मैन से डुरेन ही थोड़ा चाह रहा था तो वो उनकी हेल्प करती है। ओल्ड मैन खुश होकर उसे डुरेन देने लगता है और पूछते हैं तुम इतना डर क्यों रही हो। वो कहती है पता है मैं फू कंपनी के चेयरमैन से मिलने वाली हूँ, सुना है वो बहुत खड़ूस है, मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ। ओल्ड मैन कहता है डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो वो थैंक यू करके भाग जाती है। मिस्टर फू पूछता है ये डुरेन कहाँ से लाई हो। वो कहती है एक ओल्ड मैन ने दिया। वो कहता है ग्रैंडपा, तभी ग्रैंडपा चाहते हैं। देन शी वाज लाइक मैंने क्या क्या बोल दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं डुरेन बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओ। आंटी कहती है ग्रैंडपा आपको थोड़ी हैरानी नहीं हो रही, मिस्टर फू की तो कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी तो अचानक ये कहाँ से आ गई। मेरे पास यून ग्रुप की रियल बेटी का फोटो है। वो दोनों हैरान थे क्योंकि वो पकड़े जाने वाले थे। आंटी कहती है देखो ग्रैंडपा ये फोटो में कितनी अगली लग रही है और ये तो ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती। ग्रैंडपा वास लाइक गर्ल्स बड़ी होकर ब्यूटीफुल बन जाती हैं। और पता चलता है कि वो फोटो छोटी बच्ची की थी। तो वो दोनों बच जाते हैं। ग्रैंडपा आंटी को युनजियांग से माफी मांगने को कहते हैं पर युनजियांग मना कर देती है। तो आंटी वास लाइक एज ए सॉरी मैं तुम्हें रॉयल पार्टी में इन्वाइट करती हूँ तो तुम जरूर आना। मिस्टर फू बात टाल रहा था तो वो कहती है डरो मत, पार्टी में सिर्फ गर्ल्स होंगी तो कोई लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ेगा। युनजियांग कहती है मैं अभी अभी फॉरेन से आई हूँ ना तो मेरा सिर जरा घूम रहा है। ग्रैंडपा भी उसे पार्टी में जाने को कहने लगे थे तो युनजियांग को जाने के लिए हाँ करनी पड़ती है। मिस्टर फू और युनजियांग दोनों मैनेजर को घर चलने को कहते हैं। देन मैनेजर वाज लाइक कौन से वाले घर। मिस्टर फू कहता है मेरे घर। युनजियांग हैरान
वो कहता है अब से तुम्हें मेरे घर रहना होगा वरना आंटी को तुम पे शक हो जाएगा, वो जरूर तुम पे नजर रखेंगी। यूनजियांग वाज लाइक ये मजा आ गया। वो कहता है तुम्हें मंजूर है? वो कहती है और नहीं तो क्या, ना रेंट ना बिल कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा, तुम तो बड़े अच्छे बॉस हो, लेट्स गो। इतना बड़ा घर देख के वो हैरान। बटलर कहता है मैडम आपको जो भी चाहिए होगा वो मुझे बस ऑर्डर कर देना। वो कहती है तुम्हारा बटलर तो बड़ा अच्छा इंसान है। मिस्टर फू कहता है ये सब बटलर का नाटक है, वो आंटी का जासूस है इसलिए उससे दूर ही रहना, तुम इस घर में मेरे और मैनेजर के अलावा किसी पे भी भरोसा मत करना। बट यूनजियांग वाज लाइक तुम अमीरजादों की लाइफ तो बड़ी मस्त जा रही है, बिल्कुल ड्रामास की तरह, वैसे तुम्हारी आंटी तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती? वो कहता है आंटी को मेरे ग्रैंडपा ने अडॉप्ट किया था, वो मेरी सगी आंटी नहीं है। तो वो सोचती है यानी तुम्हारे भी मेरी तरह एक ही फैमिली मेंबर है, और कहती है वैसे डिनर में क्या है, रहीस दादी तो बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाते होंगे। वेटर उसे खाना देता है तो कहती है इसमें तो जरूर लॉबस्टर होगा, ये अब आएगा मजा। पर प्लेट हटा के देखती है उसमें वेजिटेबल्स रखे हैं, तो कहती है सिर्फ घास फूस। मिस्टर फू कहता है मेरे घर पे रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पहला मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं तो सोच भी मत लेना कि हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा होगा। शी वाज लाइक मुझे लगता है तुम ज्यादा कुछ सोच रहे हो। वो कहता है सेकंड मुझे टांग अड़ाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ मत पूछना। थर्ड मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं, तो 40 डेसिबल से ज्यादा ऊंची आवाज मत निकालना। यूनजियांग के पेट में चूहे कूदने की आवाजें आ रही थी पर वो घास फूस खाना नहीं चाहती थी। मिस्टर फू कहता है फोर्थ जो मैं खाऊंगा तुम्हें वही खाना होगा, जो मुझे पसंद नहीं तुम वो नहीं खा सकती। तभी मैनेजर फूड डिलीवरी लेके आता है, वो कहती है जल्दी से मेरे नूडल्स दो। वो कहता है फिफ्थ तुम्हें मुझे बोलते हुए डिस्टर्ब नहीं करना। बट शी वाज लाइक क्या है बे, अगर मैं भूख से मर गई तो कौन तेरे रूल्स को सुनेगा, और नूडल्स खाने लगती है। बट नूडल्स की बदबू मैनेजर और मिस्टर फू को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो कहता है तुम फिफ्थ रूल भूल गई क्या? वो कहती है अरे मैं बताना भूल गई, तुम्हारे साथ रहने के लिए मेरे भी कुछ रूल्स हैं, पर मेरे वाले तुमसे बेटर हैं। सिर्फ एक ही रूल है, जो मैं हूँ मुझे बदलने की कोशिश भी मत करना, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ और तुम्हारी बातों दोनों में टांग अड़ाना पसंद है, और शोर करना तो मेरी फितरत में है, जो तुम्हें पसंद नहीं वो खाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मिस्टर फू कहता है लगता है तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई। वो कहती है ग्रैंडपा ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी मुझे ऑलरेडी देख लिया है, अगर तुम मुझे भगा भी दोगे तो यून ग्रुप की बेटी कहाँ से लेके आओगे जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। तो मिस्टर फू गुस्से में, बट वो मजे से खा रही थी, पर बटलर उनकी बातें सुन रहा था और आंटी को फोन पे बता देता है। तो वो कहती है अब देखना पार्टी में तुम्हारे साथ क्या होता है। यूनजियांग अपनी बीमार मॉम से फोन पे बात कर रही थी तो मैनेजर उसे उसका रूम दिखाता है, वो तो बड़ा खुश होती है और कूदी फिर रही थी क्योंकि उसके रूम में तो बहुत सारी सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें रखी थी। फिर वो टॉवल बांध के वॉशरूम में नहाने की बजाय मस्ती कर रही थी और डिस्को चला के नाच रही थी और गा रही थी। उसके फटे स्पीकर की वजह से मिस्टर फू चैन से सो भी नहीं पा रहा था तो उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है, बट वो नाचते नाचते गिर जाती है। वो उसके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है, वो कहती है अरे मेरा तो पिछवाड़ा टूट गया। तभी मिस्टर फू अंदर आके उसे ऐसे देख लेता है, वो उसे देख जोर से चिल्ला पड़ती है। मिस्टर फू अपने कान बंद कर लेता है और अपना कपड़ा उसके ऊपर फेंक देता है। शी वाज लाइक गेट आउट, तो वो चुपचाप बाहर आ जाता है, बट वो रो रही थी और मिस्टर फू तो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा था। नेक्स्ट डे वो उसे मॉर्निंग में ही उठवा देता है और कहता है तुम्हें रात को आंटी की पार्टी पे जाना है। उसके क्लैप करते ही मैनेजर के साथ तीन लेडीज आती हैं जो यूनजियांग के स्टाइलिस्ट हैं और उसे उठा के ले जाती हैं। फिर उसका ऑपरेशन मेकअप होता है जिससे वो चिल्ला रही थी। जब वो व्हाइट गाउन पहन के आती है मिस्टर फू तो उसे देखते रह जाता है क्योंकि वो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। यूनजियांग खुद भी अपने आप को देख हैरान और कहती है वाओ मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। पर मिस्टर फू वाज लाइक हाँ गाउन अच्छा है पर तुम में अब भी कमी है। यूनजियांग गुस्से में, बट हील की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है तो वो सीधा मिस्टर फू की गोद में जाके गिरती है और सब हैरान। मिस्टर फू उसके क्लोज हो रहा था और वो नर्वस हो रही थी। मैनेजर बिल्कुल हमारी तरह ही सोच रहा था कि
शायद किस होने वाला है। बट मिस्टर फू उसे सूंघ के कहता है, कोई परफ्यूम लगाओ रे इसके, अभी भी रात के नूडल्स की बदबू आ रही है। मैनेजर को हंसी आ जाती है, युनजियांग बेचारे का तो पोपट हो गया था, तो वो एकदम से उठ जाती है। वो पूछता है, तुम पार्टी में सब हैंडल कर लोगी? वो कहती है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैंडल की हैं, ये तो मेरी छुट्टियों का काम है। वो कहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैनेजर को कॉल कर देना। तो मैनेजर मिस्टर फू को ले जाता है, बट वो अपने गाउन को लेकर नाचे जा रही थी। युनजियांग रेडी शेडी होकर अमीर साधु की पार्टी में आती है। दो गर्ल्स उसे देख रही थी और फिर उनमें से एक गर्ल जानबूझ के युनजियांग के ऊपर वाइन गिरा देती है, पर नाटक करती है कि हमसे गलती से गिर गया। युनजियांग गुस्से में, बट तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो बुरी लड़की का हाथ पकड़ कहती है, तुमने जानबूझ के किया है ना, माफी मांगो युनजियांग से, वरना मैं मिस्टर फू को बता दूंगी। वो लड़की कहती है, तुम तो किन हो ना सुपरस्टार, अरे हम कहां तुमसे पंगा ले लेंगे, और चली जाती है। किन कहती है, तुम्हारे शॉल पे दाग लग गया है, चलो मेरे साथ, और उसे वॉशरूम में लाकर उसके शॉल का दाग साफ करने में हेल्प कर रही थी। वो कहती है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे टीवी शोज देखे हैं। किन कहती है, मैं मिस्टर फू को बहुत करीब से जानती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अरे पार्टी शुरू होने वाली है, पर दाग तो छूट ही नहीं रहे, तुम ऐसे बाहर तो नहीं जा सकती। और उसके लिए एक शॉल लेके आती है, तो कहती है, मैंने ये शॉल फ्रांस से खरीदा था, पार्टी में तुम इसे पहन लेना। युनजियांग उसे ब्यूटीफुल बोल रही थी, जबकि उस पे फ्रेंच में लिखा था कि वो स्टूपिड है। मिस्टर वू को सोच में डूबा देख मैनेजर पूछता है, क्या आप युनजियांग के बारे में सोच रहे हैं? वो कहता है, पता नहीं वो सब हैंडल कर भी पाएगी या नहीं। मैनेजर हंस रहा था, तो कहता है, लगता है तुम इस महीने की सैलरी नहीं लेना चाहते। मैनेजर वाज लाइक, बॉस मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मिस्टर फू कहता है, मुझे टेंशन हो रही है कि कहीं वो युनजियांग हमारी इंसल्ट न करा दे। मैनेजर कहता है, तो क्यों ना हम उसे बचाने चलते हैं। इधर हमें पता चलता है कि किन उस बुली करने वाली गर्ल्स के साथ मिली हुई है और खुश हो रही थी कि जब युनजियांग उसका दिया हुआ शॉल पहन के बाहर आएगी उसकी तो पार्टी में धज्जियां उड़ जाएगी। आंटी अनाउंस करती है कि आज मैं आप सबको युन ग्रुप की बेटी युनजियांग से मिलवाती हूँ। बट युनजियांग तो बिना शॉल पहने आई थी और सोचती है, मैं तुमसे भी ज्यादा चंट हूँ किन, तू कई सालों से मिस्टर फू के पीछे पड़ी है और जानबूझ के मुझे बता रही थी कि तू मिस्टर फू को करीबी से जानती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। किन तू तो स्टोरी की विलन है, बट तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया। किन कहती है, तू इनोसेंट बनने का अच्छा नाटक कर लेती है। युनजियांग वाज लाइक, तुम भी कोई कम नहीं हो, चलो चीयर्स हो जाए। और चीयर्स करते हुए जानबूझ के उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है, अरे अरे तुम कितनी क्लमसी हो, परेशान मत हो, लो अपना शॉल ओढ़ लो, ये तुम्हें पे ज्यादा सूट करता है, एकदम परफेक्ट। किन गुस्से में थी और उसके फेस पे वाइन फेंक देती है, तो हंस रही थी। युनजियांग वाज लाइक, अच्छा तो फाइट करना चाहती है, और किन को पकड़ के स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो चिल्ला रही थी तो सब हंस रहे थे। जब किन को बाहर निकाल लेते हैं तो आंटी कहती है, युनजियांग तुम पगला गई हो क्या? वो कहती है, इसी ने पहले स्टार्ट किया था, मैं तो बस इसे इसी का स्वाद चखा रही थी, बट मैं शहजादों के ड्रामों से परेशान हो गई हूँ, मैं तो चली यहाँ से। और जाने लगी थी, आंटी कहती है, रुक, तूने मेरी गेस्ट की इंसल्ट करके सिर्फ मेरी नहीं पूरी फू फैमिली की इंसल्ट कर दी है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे धमका दोगी? मिस्टर फू आकर कहता है, युनजियांग ने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी पहले वाली सारी पार्टीज तो बोरिंग होती थी, कम से कम रिपोर्टर्स को इस बार तो कोई हेडलाइन मिलेगी। और उसका दिया कपड़ा मैनेजर युनजियांग को उड़ा देता है, वो बनके दिखा रही थी। मिस्टर फू पूछता है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? वो कहती है, तुम्हारी हॉटनेस ने मेरी सारी ठंड छूमंतर कर दी, मैं थक गई हूँ डार्लिंग, चलो घर चलते हैं। और उन्हें चिपलाती हुई चली जाती है। किन कहती है, आंटी ये मिस्टर फू इसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है? आंटी कहती है, ये जितनी मासूम दिखती है इतनी है नहीं। वो कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? मैनेजर कहता है, क्योंकि मिस्टर फू को तुम्हारी टेंशन हो रही थी। मिस्टर फू वाज लाइक, मैनेजर क्या तुम इस महीने की सैलरी नहीं लेना चाहते? तो मैनेजर मुंह बंद कर लेता है। युनजियांग कहती है, मिस्टर फू क्या मैंने बढ़िया किया? वो कहता है, कुछ खास नहीं। तो वो रूठ जाती है, बट मिस्टर फू उसके लॉस होने लगता है, तो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो अपना हैंकी निकाल के उसका फेस साफ कर देता है, क्योंकि उसका फेस थोड़ा गीला था, बट वो उसके मुंह पे छींक देती है।
तो मिस्टर वो उसी हैंकी से अपना फेस साफ करता है। देन युनसियांग वाज लाइक क्या कर दिया ये मैंने। डॉक्टर के बताने पे मैनेजर उसे कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि युनसियांग का फीवर रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, तो आप अपने रूम में चले जाइए, मैं युनसियांग का ध्यान रख लूंगा। मिस्टर फू कहता है, मैं यही रुकूंगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि इसका फीवर एक्टिंग में प्रॉब्लम न बन जाए। मैनेजर वाज लाइक मैंने तो कभी मिस्टर फू को किसी लड़की का इतना ख्याल रखते नहीं देखा, और चला जाता है। वो उसे कपड़ा उड़ाने लगा था, बट वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, मॉम मुझे ठंड लग रही है, और उसे पकड़ के अच्छे से सो जाती है। तो मिस्टर फू भी उसे देखने लगा था। मॉर्निंग में उठती है तो एकदम ठीक थी, और फिर देखती है कि मिस्टर फू बेड पे पड़ा है। मैनेजर और बहुत सारे डॉक्टर्स टेंशन में खड़े हैं, तो मैनेजर से पूछती है, मिस्टर फू को क्या हुआ। मैनेजर कहता है, डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताएंगे। डॉक्टर वाज लाइक काफी चेकअप और डिस्कशंस करने के बाद हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मिस्टर फू को वायरल फीवर हो गया है। युनसियांग वाज लाइक क्या फीवर, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। हेलो मिस्टर फू, कैसे बीमार बॉस हो तुम, जरा इसे अदरक वाली चाय पिलाओ कोई, ये अमीर लोग भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मिस्टर फू वाज लाइक एहसान फरामोश कहीं की। मैनेजर कहता है, सही कहा बॉस, अब उसे क्या पता कि हमारे बॉस को किससे फीवर फैला है, इसका ध्यान रखने पे तो ये कांड हुआ है। मिस्टर फू से घूरता है, देन ही वाज लाइक मैंने कुछ नहीं बोला बॉस। युनसियांग अपनी मॉम के डॉक्टर से बात कर रही थी, तो डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में बुलाते हैं, इसलिए वो मिस्टर फू के घर से भाग रही थी, पर गार्ड्स को देख हंसती हंसती जाने लगती है। बट किन जो कार में बैठी थी उसे भागते हुए देख लेती है और उसके पीछे लग जाती है। युनसियांग एलिवेटर में जाती है तो किन भी गॉगल्स पहन के घुस जाती है, बट स्ट्रेंजर्स होने का नाटक कर रही थी। युनसियांग को उस पे शक होता है क्योंकि वो जहाँ भी जाती किन उसके पीछे पीछे, तो युनसियांग जानबूझ के एक वार्ड में चली जाती है। किन भाग के अंदर आती है, बट वो उसका गूगल उतार के चिल्ला देती है, वाओ ये तो सुपरस्टार किन है, सुनो सब सुनो जल्दी आओ। सब लोग किन को घेर के उसकी फोटोज खींचने लगते हैं और युनसियांग भाग जाती है। एक लड़का बैठा उसकी मॉम के साथ गेम खेल रहा था, मॉम उसे युनसियांग से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, ये है बीए। युनसियांग वाज लाइक तुम वही मम्मी हो जिससे हम पहले मिले थे पार्ट वन में। वो कहता है, हाँ सही पकड़े हैं, पर अब मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ तो तुम मुझे अंकल भी बोल सकती हो। मॉम बार बार उसे गेम खेलने को बोल रही थी, तो वो कहता है, आप कितनी बार हारोगी मुझसे। मॉम कहती है, युनसियांग अब तू ही मेरी इज्जत बचा सकती है, इस बीए को हरा दे। युनसियांग वाज लाइक जरूर मॉम, और युनसियांग और बीए में मैच शुरू होता है। वो उसे हर राउंड में बुरी तरह हरा रही थी, बेचारे बीए की तो बीन बच गई थी। युनसियांग अपनी मॉम को ख्याल रखने को बोलकर जाने लगती है, तो बीए को भी साथ में घूर जाती है, बट वो उसे देखने लगा था। वो देखती है कि उसका फोन कहाँ गया, बट एलिवेटर में एक ओल्ड मैन गिरे पड़े थे, तो वो डॉक्टर को वास लगाती है और उनकी बिखरी मेडिसिन उन्हें खिला देती है। डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं, मेडिसिन खाने से ओल्ड मैन की तबीयत बेटर हो गई थी। बीए भी ये सब देख लेता है क्योंकि वो युनसियांग को उसका फोन वापस करने आया था, और कहता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी ताकि हम फिर कभी गेम खेल सकें। बट शी वाज लाइक मैं लूजर्स के साथ नहीं खेलती, बाय। उसे मिस्टर फू का फोन आता है तो वो चली जाती है। बीए सोचता है, ये मिस्टर फू को कैसे जानती है। युनसियांग जब घर आती है तो मिस्टर फू कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम सिर्फ वीकेंड पे ही अपनी फैमिली से मिल सकती हो, वो भी मेरी बॉडीगार्ड्स की नजर में। वो कहती है, मिस्टर फू मुझे बस थोड़ी सी इमरजेंसी थी। वो कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है अगर आंटी को इसका पता चल जाए तो क्या होता। तो वो सॉरी बोलकर जाने लगती है। वो कहता है, कुछ दिनों में ग्रैंडपा का बर्थडे है तो तुम्हें मेरे साथ उनके लिए गिफ्ट लेने चलना होगा। नेक्स्ट डे वो सब ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेने जाने लगे थे, तभी बटलर बताता है कि बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मिस्टर फू के बाहर आते ही रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि किन हॉस्पिटल में पाई गई, क्या आप दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं और उसका बेबी तुम्हारा है। युनसियांग वाज लाइक ये मैंने क्या कर डाला। मिस्टर फू से घूर रहा था तो वो कहती है, वो मेरे पीछे करती करती हॉस्पिटल आ गई थी, सॉरी मिस्टर फू। मिस्टर फू मना कर देता है। वो कहती है, हाँ हाँ किन और मिस्टर फू में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं पूरी यकीन के साथ बता सकती हूँ। रिपोर्टर्स वर लाइक तुम कौन हो और तुम मिस्टर फू के घर पे क्या कर रही हो। वो कंफ्यूजन में मिस्टर फू कहता है, ये मेरी फियांसे है। वो हैरान, बट मिस्टर फू उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस कर देता है।
मैनेजर वास लाइक, ये क्या हुआ? रिपोर्टर्स उनकी फोटोज खींच रहे थे, जबकि युनजियांग बिल्कुल हैरान थी और फिर कहती है, यू डेविल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरी फर्स्ट किस थी। मिस्टर फू स्माइल करता है तो कहती है, तुम हंस रहे हो? मेरा तो कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और ऊपर से तुमने मेरी फर्स्ट किस भी छीन ली। मैनेजर वास लाइक, ऐसा मत कहो कि किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया है, ये हमारे बॉस की भी फर्स्ट किस थी। युनजियांग हैरान मिस्टर फू से घूरता है। देन मैनेजर वास लाइक, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं। मिस्टर फू कहता है, तुमने इतना सारा रायता फैला दिया था तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वो कहती है, ओ मिस्टर, मैं ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ, पर तुमने तो सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। कितने सारे रिपोर्टर्स थे वहाँ, अगर मेरी मॉम ने देख लिया तो मैं क्या करूँगी। तभी आंटी ग्रैंडपा को लेकर वहाँ आ जाती है। ग्रैंडपा गुस्से में थे कि मिस्टर फू ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो दोनों ने सब बता देते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं, यानी तुम्हारा उस दिन के साथ कोई लेना देना नहीं, तुम सिर्फ युनजियांग को लाइक करते हो। वो हाँ कहता है। युनजियांग कहती है, ओ ग्रैंडपा, मैं और मिस्टर फू तो बहुत खुश हैं। मेरा बॉयफ्रेंड कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, है ना मिस्टर फू? और खाने लगती है। ही वाज लाइक, खिलाओ मुझे। ग्रैंडपा उन्हें देख रहे थे। मिस्टर फू ने उसे कहा था कि अगर तुमने मुझे खिलाया नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा टेस्टी चीज टेस्ट करूंगा। युनजियांग वाज लाइक, ये तो मेरी कॉमिक की लाइंस हैं। और फिर उसे खिला देती है। वो कहता है, आगे से मुझे मिस्टर फू मत कहना, सिर्फ फू कहना, फू। शी वाज लाइक, क्या? मैनेजर वाज लाइक, क्या क्रिंजी सीन चल रहा है। वो कहती है, ओके फू, और उसे हक कर लेती है तो वो भी खुश होता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम दोनों में सब बढ़िया चल रहा है तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं। मैनेजर कहता है, मैंने रिपोर्टर से बात कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट किन ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए खुद की मिस्टर फू के साथ न्यूज वायरल करवाई थी जो झूठी साबित हो गई थी, इसलिए ग्रैंडपा किन से गुस्सा थे और कहते हैं, तुम दोनों मेरे बर्थडे पे जरूर आना। वो कहती है, जी ग्रैंडपा, मैं और फू जरूर आएंगे। ग्रैंडपा के जाते ही वो कहती है, तुम मेरी कॉमिक की लाइंस यूज कर रहे थे ना, देखा तुम्हें इस टाइम पे मेरी ही कॉमिक की जरूरत पड़ी। वो कहता है, इतनी बकवास लाइंस हैं, बिल्कुल तुम्हारी एक्टिंग की तरह। शी वाज लाइक, तुम, एक तो पहली मैं उस किस वाली बात पे गुस्सा हूँ और अभी सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से मुझे एक्टिंग करनी पड़ी। और गुस्सा होकर चली जाती है। मैनेजर वाज लाइक, अभी कुछ टाइम पहले तो ये क्रिंजी हो रहे थे तो अब फिर से युद्ध कैसे स्टार्ट हो गया। किन बैठी रो रही थी कि ये सब उस युनजियांग की वजह से हुआ है क्योंकि ग्रैंडपा भी अब मुझसे गुस्सा है। आंटी कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब ठिकाने पे लगा दूंगी। मिस्टर फू, मैं तुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। युनजियांग अभी तक हॉस्पिटल से वापस नहीं आई थी तो मैनेजर उसे बताता है कि युनजियांग की मॉम की थेरेपी चल रही थी, इसलिए वो कल बिना बताए जल्दी में ही चली गई थी। मिस्टर फू किसको याद कर कहता है, क्या मैंने युनजियांग के साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया था? मैनेजर कहता है, बॉस, नहीं तो आपने भी तो कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, वो आपकी फर्स्ट किस थी। वो हंस पड़ता है। देन मैनेजर वाज लाइक, बॉस, इस पर आप मुझे सैलरी काटने की धमकी नहीं दोगे? मिस्टर फू वाज लाइक, ये तो मैं भूल ही गया। और उसे घूरता है तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है, जबकि मिस्टर फू स्माइल कर रहा था। और फिर युनजियांग के रूम के बाहर जाता है, बट वो अंदर पड़ी हुई किस के बारे में सोच रही थी और उन क्रिंजी मोमेंट्स के बारे में, तो कहती है, नहीं नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उस ट्रेवल के बारे में नहीं सोच सकती। मिस्टर फू उसके चीखने की आवाज सुन हैरान था। मॉर्निंग में जब वो सो रही थी तो एक बेबी कैट उसके ऊपर थी, तो वो उठ के उसे सहलाने लगती है। मिस्टर फू पूछता है, तुम्हें पसंद आई? वो कहती है, हाँ, तुम यहाँ कैसे? वो कहता है, मैंने ये कैट अडॉप्ट की है, इसका नाम नुआन नुआन है, बिल्कुल तुम्हारे कॉमिक की तरह। मुझे कैट का ध्यान रखना नहीं आता, तो क्या तुम मेरे लिए कैट का ध्यान रखोगी? वो हाँ कर देती है, पर कहती है, तुम आज मेरे साथ इतना अच्छे बिहेव क्यों कर रहे हो? वो कहता है, कल मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था तो सॉरी। वो कहती है, इट्स ओके, इसमें पूरी तुम्हारी गलती नहीं थी। वो कहता है, यानी तुम नुआन नुआन के साथ मेरा भी ध्यान रखोगी? तो वो सिर हिला देती है। मैनेजर वाज लाइक, बॉस, मैं तो आपको ऐसे टुच्चू मुच्चू समझ रहा था, पर आप तो लड़की पटाने में माहिर हो। युनजियांग नुआन नुआन के साथ खेल रही थी और उसे किस कर रही थी और मिस्टर फू उसकी फोटोज खींच रहा था। वो कहती है, ए, क्या तुम मेरी फोटोज खींच रहे हो? वो कहता है, नहीं नहीं, तो मैं तो नुआन नुआन की खींच रहा था। वो यकीन नहीं करती और उससे फोन लेने लगती है। मिस्टर फू उसे नहीं दे रहा था
और छीनते छीनते वो उसकी गोद में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे इससे पहले कि कोई किसविस होता। तभी नुआन नुआन बोल पड़ती है तो वो एकदम से उठ जाती है और देखती है कि फोन में सिर्फ नुआन नुआन के ही फोटोज है, उसका तो एक भी नहीं है। इसलिए सैड होके उसका फोन देकर चली जाती है। इनफैक्ट मिस्टर फू ने युनसियांग के भी बहुत सारे फोटोज खींच रखे थे जो उसने देखे नहीं थे, तो वो स्माइल करता है। तभी मैनेजर कहता है, बॉस। तो मिस्टर फू एकदम से डर जाता है, पर मैनेजर तो उसे ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेने की याद दिलाने आया था, इसलिए वो तीनों ग्रैंडपा के लिए मिस्टर गुओ की पेंटिंग्स लेने आते हैं। बट आंटी ने वो पेंटिंग पहले ही बाय कर ली थी और वो लास्ट पेंटिंग थी, तो वो ग्रैंडपा को अब क्या गिफ्ट देंगे, क्योंकि ग्रैंडपा को तो मिस्टर गुओ की पेंटिंग्स बहुत पसंद है। तभी मिस्टर गुओ आ जाते हैं और युनसियांग को पहचान लेते हैं कि ये तो वही है जिसने उनकी एलिवेटर में मेडिसिन दी की जान बचाई थी, और कहते हैं, तुम्हारे साथ जो व्हीलचेयर पे लड़का था क्या वो यही है? वो मना करती है। मिस्टर गु कहते हैं, फिर तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। वो कहती है, नहीं नहीं, ये तो मेरे बॉस है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। मिस्टर गु गुस्से में, मिस्टर गु कहते हैं, मेरा ग्रैंडसन भी सिंगल है तो तुम दोनों। मिस्टर फू वाज लाइक, हम यहाँ पेंटिंग्स खरीदने आए हैं, रिश्ता कराने नहीं। मिस्टर गु कहते हैं, मेरी सारी पेंटिंग्स तो बिक गई हैं, पर मैं मुझे बचाने वाले को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। तो वो खुश होती है। मिस्टर फू से पूछता है, मिस्टर गु बता रहे थे कि तुम किसी दूसरे व्हीलचेयर वाले लड़के से मिली थी? वो कहती है, हाँ, वो मेरी मॉम की हॉस्पिटल रूम में है। क्यों, क्या हुआ? वो कहता है, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे अजीब लड़कों से दूर रहा करो। शी वाज लाइक, मुझे जिससे सबसे ज्यादा दूर रहने की जरूरत है वो तो तुम ही हो। मिस्टर फू हैरान, बट मैनेजर को हंसी आ जाती है। युनसियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है और उन्होंने उसे अभी के अभी मिलने बुलाया था। वो कहती है, कहीं मेरी मॉम ने हमारी किस वाली न्यूज तो नहीं देख ली। मिस्टर फू भी हैरान था। जब वो मॉम से मिलने आती है तो मॉम उसे कहती है, लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लव। वो कहती है, सॉरी मॉम, मैंने आपसे। मॉम कहती है, बीए डिस्चार्ज हो गया है तो वो अपने घर जाने वाला है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है, तो तू उसे ट्रीट देगी, मेरे बदले का थैंक यू कर देगी। वो कहती है, ओके। क्या? मॉम वाज लाइक, बीए सिंगल है। शी वाज लाइक, मॉम आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया? प्लीज आप मेरे लिए सिंगल लड़के ढूंढना बंद कर दीजिए। मॉम कहती है, अरे बीए बहुत अच्छा लड़का है। वो कहती है, जब से वो हॉस्पिटल आया है कोई उससे मिलने नहीं आया, क्या पता वो बीए है कौन। तभी बीए वहाँ जाता है एंड शी वाज इन शॉक और कहता है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे ट्रीट देने को कहा है। वो कहती है, नहीं, मेरी मॉम की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। बीए बताने लगा था कि वो कौन है, तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और कहता है, तुम हो वो जो युनसियांग के पीछे पड़े हो। बीए सोचता है, मिस्टर फू को युनसियांग से क्या लेना देना है। वो कहती है, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये है मिस्टर फू मेरे बॉस और ये है बीए मेरी मॉम का फ्रेंड। दोनों हेलो करते हैं बट गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे का हाथ भी नहीं छोड़ रहे थे। मैनेजर वाज लाइक, क्या कंपटीशन चल रहा है? युनसियांग उन दोनों को पकड़ के अलग अलग कर देती है। मिस्टर फू कहता है, मैंने न्यूज को हैंडल कर दिया है, तुम्हारी मॉम नहीं देख पाएंगी। बीए पूछता है, कौन सी न्यूज? मिस्टर फू वाज लाइक, ये तेरे काम की बात नहीं है। तो बीए कहता है, मैंने भी तुम्हारी मॉम का ख्याल रखा है। युनसियांग वाज लाइक, तो आज की बातचीत पूरी हुई, मैं चलती हूँ। बट मैनेजर उसे रोक के कहता है, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ भड़कीला होने वाला है? बीए मिस्टर फू को रेस के लिए चैलेंज करता है, फिर क्या वो हाँ कर देता है, जो सबसे पहले अंत तक पहुँचेगा वही जीतेगा। युनसियांग वाज लाइक, हो गया बेड़ा गर्क। मैनेजर झंडा लहराता है और वो दोनों लव राइवल रेसर्स रेस स्टार्ट करते हैं। वो अपनी व्हीलचेयर हाथों से जोर लगा के चला रहे थे। मैनेजर पूछता है, तुम किसे जिताना चाहती हो? वो कहती है, मैं चाहती हूँ, बकवास बंद करो, बीए मिस्टर फू से आगे हो गया था, तो मिस्टर फू अपनी रेस बढ़ा देता है। मैनेजर मिस्टर फू को चीयर अप कर रहा था तो युनसियांग भी करने लगती है। वो कहता है, तुम वैसे तो उससे हमेशा लड़ती रहती हो पर तुम उसे ही जिताना चाहती हो। बीए बेचारा बहुत मेहनत कर रहा था पर मिस्टर फू से ज्यादा नहीं, इसलिए मिस्टर फू जीत जाता है। मैनेजर और युनसियांग बहुत खुश होते हैं। मिस्टर फू वाज लाइक, हार के आ गया स्वाद। तो बीए व्हीलचेयर से उठ जाता है। वो कहती है, तुम ठीक हो तो नौटंकी को कर रहे थे। बीए कहता है, मिस्टर फू अगली बार मैं नहीं हारूंगा, और चला जाता है। युनसियांग पूछती है, मिस्टर फू क्या तुम उस बीए को जानते हो? मिस्टर फू वाज लाइक, वो अभी बच्चा है।
वो कहती है, तुम भी कौन सा बुढ़े हो गए। मैनेजर कहता है, बॉस आपके हाथ में चोट कैसे लग गई। वो कहता है, कुछ खास नहीं है। मैनेजर उसे इशारा करता है युनसियांग को बताने का, तो मिस्टर फू दर्द में होने का नाटक करते हुए कहता है, आउच मेरे हाथ से खून निकल रहा है। वो कहती है, दिखाओ कहाँ है, तुमने ऐसा किया ही क्यों, स्टूपिड कहेंगे। मिस्टर फू खुश हो रहा था। देन मैनेजर वाज लाइक, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा मैच मेकर हूँ। बीए के बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने हॉस्पिटल आ जाते हैं और पता चलता है कि बीए चू फैमिली का बेटा है और घर से भागते टाइम ही उसके टांगों में चोट लग गई थी, क्योंकि उसके डैड उसे बिजनेस में घुसने को बोल रहे थे और उसे तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मिस्टर फू को हराने के मकसद से वो भी घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। युनजियांग उसके मेडिसिन लगाती हुई कहती है, तुमने कॉम्पिटिशन किया ही क्यों था, देख लिया क्या हो गया। वो कहता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना। वो कहती है, मुझे बस ये डर है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सैलरी कौन देगा मुझे। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें ट्रीटमेंट करना कितने अच्छे से आता है। वो कहती है, क्योंकि बचपन से ही मैं घर से ज्यादा हॉस्पिटल में रही हूँ, अब तो लगभग मैं डॉक्टर ही बन गई हूँ। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हारी मॉम जरूर ठीक हो जाएंगी। तो वो हाँ कहती है, तभी उनके रोमांस के बीच आवाज आती है, बॉस। वो दोनों डर जाते हैं। मैनेजर वाज लाइक, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो बस ग्रैंडपा वाला गिफ्ट पैक करके लाया था, तो चलता हूँ। वो दोनों चुप थे, तो वो वापस आकर कहता है, लगे रहो, जो कर रहे थे वो करते रहो। बट वो दोनों हुआ साइलेंट। ग्रैंडपा के बर्थडे का दिन आता है और आंटी ग्रैंडपा को मिस्टर गुओ की पेंटिंग देकर कहती है, युनजियांग और मिस्टर फू तुम ग्रैंडपा के लिए क्या लेके आए हो, पता नहीं वो ग्रैंडपा को पसंद आएगा भी या नहीं, सबसे अच्छी पेंटिंग तो मैं ही लेके आई हूँ। युनजियांग ग्रैंडपा को गिफ्ट देती है। ग्रैंडपा कहते हैं, युनजियांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सब हैरान, और वो भी डर जाती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने मिस्टर गुओ की सील प्रिंट कैसे ले ली, ये तो मेरी फेवरेट है। मिस्टर गुओ तो कभी किसी को अपनी सील प्रिंट नहीं बेचते, तुम में सच में कुछ स्पेशल है, और उसकी तारीफ करते हैं। तो आंटी चिढ़ रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, अब जल्दी से जल्दी तुम और मिस्टर फू मुझे ग्रैंड चाइल्ड दे दो। तभी वहाँ चू फैमिली का बेटा आता है। सब गर्ल्स उसे हैंडसम बोल रही थी और युनजियांग भी हैरान थी। बीए ग्रैंडपा को गिफ्ट देता है। मैनेजर कहता है, बीए को युनजियांग की रियल आइडेंटिटी का पता है, अब हम क्या करेंगे। युनजियांग उसे देख के डर रही थी, वो उसे साथ में डांस के लिए इनवाइट करता है, बट वो कुछ बोल नहीं रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, बीए हमारा गेस्ट है, तुम्हें इसके साथ डांस करना चाहिए। बीए युनजियांग का हाथ पकड़ के कहता है, मिस्टर फू मैं तुम्हारी फियांसे को थोड़े टाइम के लिए लेके जा रहा हूँ। और फिर युनजियांग को डांस करने ले जाता है, बट उन दोनों को रोमांटिक कपल डांस करते देख मिस्टर फू सैड था और गुस्से में भी, क्योंकि बीए की जगह उसे युनजियांग के साथ डांस करना चाहिए था। एक वेटर उसे ड्रिंक देने आता है, तो वो भी उससे ले लेता है। वेटर कहता है, ग्रैंडपा ने आपको बात करने के लिए रूम में बुलाया है। मिस्टर फू जेलसी की वजह से ड्रिंक पी लेता है। युनजियांग कहती है, मैं कुछ रीजंस की वजह से ऐसा कर रही हूँ, तो तुम किसी को मत बताना। बीए भी हाँ कर देता है। जब वो देखती है कि मिस्टर फू वहाँ पे नहीं है, तो कहती है, सॉरी मुझे भी जाना होगा, और चली जाती है। पर बाकी गर्ल्स बीए को घेर लेती हैं। मिस्टर फू रूम में आता है, पर वहाँ तो किन थी, कॉस उस पे डोरे डालने के लिए। वो उसे देख के जाने लगा था, बट उसके सिर में कुछ होने लगता है। वो समझ जाता है कि किन ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। युनजियांग वहाँ कर देखती है कि रूम बंद है और किन और मिस्टर फू की आवाजें आ रही हैं। किन उसका कपड़ा हटा के मिस्टर फू की गोद में बैठ जाती है। मिस्टर फू नशे में होने के बावजूद भी उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। युनजियांग ग्रैंडपा के आने की आवाजें सुन लेती है। इनफैक्ट आंटी चानबुझ के ग्रैंडपा को वहीं लेके आ रही थी। उसे याद आता है कि उस रूम का पीछे से भी गेट है। किन मिस्टर फू के साथ रहने के सपने से जा रही थी, बट तभी युनजियांग आ जाती है और उसे घूसा मार के बेहोश कर देती है। ग्रैंडपा और आंटी अंदर आके देखते हैं कि युनजियांग बोल रही है, फू ऐसा मत करो, बहुत हो गया, तुम इतने टल्ली हो। ग्रैंडपा खुश होते हैं, पर आंटी के तो पूरे प्लान पे पानी फिर गया था, इसलिए चिल्ला पड़ती हैं कि युनजियांग और मिस्टर फू तुम्हें शर्म नहीं आती, आंटी छोड़कर यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हो। वो कहती है, मिस्टर फू ने ज्यादा चढ़ा ली थी, मैं तो बस इसका ध्यान रख रही थी। ग्रैंडपा वाज लाइक, कोई नहीं, बस मुझे तो जल्दी से जल्दी ग्रैंड चाइल्ड दे दो और जो कर रहे थे करते रहो, और चले जाते हैं। युनजियांग उठने की बहुत कोशिश करती है, बट उसने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो उसे पकड़ के कपड़ा उड़ा देती है। उसका सिर इधर उधर भुड़क रहा था, तो वो उसे अच्छे से पकड़ के हक करके सुला लेती है। जबकि किन बेड के पीछे बेहोश पड़ी थी, युनजियांग को भी नींद आने लगी थी,
तो वो उस पे ही सिर रख के सो जाती है। मॉर्निंग में जब उसकी आईज खुलते हैं, मिस्टर फू उसके साथ लेटा हुआ उसे देख रहा था। वो डर के मारे उठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे बेड पे क्या कर रही हूँ? ये तो मेरे कपड़े भी नहीं है। यू डेविल, तुमने क्या किया कल रात मेरे साथ? मिस्टर फू वाज लाइक, कुछ देखने के लिए बचा भी नहीं था, मैंने ऑलरेडी वॉशरूम में नहाते हुए तुम्हें पूरा देख तो लिया था। वो गुस्सा होती है, वो कहता है, कल रात तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कहती है, नो वे, बताओ मैंने क्या बड़बड़ाया? वो कहता है, तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे लव हो गया और फिर किस करने के लिए उसके क्लोज होता है। बट वो कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकती, और भाग जाती है जबकि वो स्माइल कर रहा था। युजिया कहती है, क्या मैंने रात सच में बोल दिया था? ये मैंने क्या कर दिया? सुन युजियांग, वो तेरा बॉस है और तू उसकी एम्प्लॉय है, तू उसे लाइक नहीं कर सकती। इधर मेड सफाई कर रही थी तभी नीचे से एक भूतनी निकलती है। पता चलता है कि वो भूतनी नहीं किन थी, जो अपने बाल सही करके कहती है, क्या देख रही हो, कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? आंटी कहती है, मैंने तुम्हें इतना अच्छा चांस दिया था, तुमने सबका बड़ा कर दिया, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। हमें पता चलता है कि किन की प्रेगनेंसी वाली छोटी न्यूज किन ने नहीं आंटी ने वायरल करवाई थी। किन कहती है, मुझे तुम्हारे काले कारनामों के बारे में सब पता है, मैं तो बस तेरे यहाँ यूज करके फू फैमिली की बॉस की वाइफ बनना चाहती हूँ। तो आंटी उसे बाहर फेंकवा देती है, इसलिए वो गुस्से से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू नाक सिकोड़ रहा था, क्योंकि उसने ही युजियांग के लिए स्पाइसी खाना मंगवाया था, इसलिए वो बड़ा खुश होती है और कहती है, तुमने जो रूल्स बनाए थे उनका क्या? वो कहता है, आज के बाद सिर्फ एक ही रूल होगा, जो तुम्हें पसंद है वही न्यू रूल है। तो वो खुश होकर खाने लगती है। मिस्टर फू वाज लाइक, बड़ी मुश्किल से हैंडल हुई है। वो कहती है, मिस्टर फू एक बात बताओ। वो कहता है, मुझे सिर्फ फू कहो, जैसे तुम्हारे कॉमिक में कहते हैं। वो सोचती है, ये क्या हो रहा है, और कहती है, नहीं मैं नहीं कर सकती। वो कहता है, जरा जोर से कहो फू। तो वो कहती है, फू, अब सही है? वैसे तुम्हारी लेग्स को क्या हुआ था? वो कहता है, मेरी लेग्स 7 साल पहले एक कार क्रैश में जख्मी हो गई थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अपने डैड को उस दिन ट्रिप पे ले जाने के लिए नहीं कहता तो शायद वो आज जिंदा होते। मैं तो बस किसी तरह खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वो कहती है, डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी मैनेजर आकर उसे बताता है कि फौरन से कोई खबर आई है और मिस्टर फू किसी से फोन पे बात करता है और फिर कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, कार क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था। और फिर अपनी चेयर से खड़ा होकर कहता है, मैं इतने सालों तक लंगड़ा होने का नाटक करता रहा ताकि उस गुनहगार को पकड़वा सकूं। जल्दी से मेरे लिए फौरन का टिकट बुक करो। मैनेजर पूछता है, तो क्या युजियांग को हमें आपके लक्ष्य के बारे में बताना चाहिए? वो कहता है, नहीं, जितना ज्यादा वो जानेगी उसके लिए उतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। युजियांग बाहर सोफे पे सो रही थी, तभी मिस्टर फू उसे गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है और कहता है, बिल्कुल कल की तरह तुम आज भी पिगी बन के सो रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि मैंने तुम्हें कब उठाकर बेड पे सुला दिया? और फिर उसे किस कर देता है। मिस्टर फू कहता है, तुम्हारे कॉमिक में जो भी ड्रीम्स हैं मैं एक एक करके तुम्हारे लिए सब सच कर दूंगा, और चला जाता है। मॉर्निंग में जब वो ठूस रही थी तो मैनेजर को देख पूछती है, मिस्टर फू कहाँ है, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। वो बताता है कि मिस्टर फू काम के लिए फौरन चले गए, बोल के गए हैं कि अब उनके बदले अब तुम्हें या कंपनी को संभालना है। शी वाज लाइक, मैं? वो मजाक कर रहा है क्या? मैनेजर कहता है, नहीं यही सच है। मिस्टर फू ने बोर्ड मेंबर्स को भी बता दिया है, सारा काम मैं करूंगा, आपको बस फाइल्स पे साइन करने हैं। इधर आंटी बोर्ड मेंबर से कह रही थी कि मिस्टर फू फौरन चला गया तो मैं एज ए वाइस चेयरवुमन टेम्पररी उसकी जगह ले रही हूँ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तभी युजियांग आकर कहती है, मुझे प्रॉब्लम है। आंटी वाज लाइक, ये बिजनेस है, कोई बच्चों का खेल नहीं, तुझसे हैंडल नहीं हो पाएगा। वो कहती है, भले ही मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं पर मैं आप सबसे सीख सकती हूँ। आंटी मना कर रही थी तो वो कहती है, बोर्ड मेंबर्स आप ही बताइए। तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं तो आंटी को सीईओ की पोजीशन से उठना पड़ता है और कहती है, खुद को विनर मत समझ लेना। युजियांग सीईओ की सीट पर बैठ जाती है तो सब बोर्ड मेंबर्स क्लैप करते हैं। इधर आंटी उसके खिलाफ कोई प्लान बना रही थी। युजियांग कहती है, अच्छा है मिस्टर फू तुम्हें यहाँ छोड़ के गया है, सारा काम तो तुम ही कर रहे हो, मुझे तो बस साइन करने हैं। वैसे मिस्टर फू कौन से प्रोजेक्ट के लिए फौरन गए हैं? मैनेजर कहता है, वो ऑयल प्रोजेक्ट। वो कहती है, कहीं मिस्टर फू की कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? मैनेजर वाज लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है,
रोमांटिक कॉमिक्स के हिसाब से मेन कैरेक्टर्स में जब लव हो जाता है तो तभी कोई तीसरा कहीं से टपक पड़ता है और कपल्स को प्रॉब्लम में डाल देगा। तभी मैनेजर का फोन आता है और कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इनफैक्ट चू कंपनी का सेक्रेटरी आया था जो बोल रहा था कि फू कंपनी ने हमें बेकार कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दिया है, तो यूनजियांग को हमें अब 50 मिलियन कंपनसेशन में देने होंगे। वो कहती है, मैंने तो अभी तक अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? ओके, हम इस प्रॉब्लम को जरूर चेक कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कोर्ट सॉल्व करेगा, पर अगर मुझे पता चला कि किसी ने प्लान किया है तो फू कंपनी उसे छोड़ेगा नहीं। आंटी खुश हो रही थी क्योंकि काफी ढूंढने के बाद भी मैनेजर और यूनजियांग को उस सेक्रेटरी के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ बीएच आता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है, सच में? बट मैनेजर वास लाइक, तुम ही ने अपनी सेक्रेटरी को हम पे केस करने भेजा है और अब हेल्प में आए हो, बेवकूफ समझ रखा है क्या? बीए कहता है, वो सेक्रेटरी हमारा वफादार नहीं है, मैं उसे वैसे भी कंपनी से बाहर फेंकने वाला हूँ। यूनजियांग, तुम प्रॉमिस करो कि मेरी हेल्प लेने के बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रिपोर्टर्स यूनजियांग से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि पहले चू कंपनी के सेक्रेटरी प्रॉब्लम को डिटेल से बताए, बट वो सेक्रेटरी बताता है कि आंटी मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं हो सकता। आंटी कहती है, पगला गए हो क्या, क्या बकवास कर रहा है? बी आकर कहता है, ये बकवास नहीं, सच बोल रहा है। इनफैक्ट सेक्रेटरी ने बीए को बताया था कि उसने ही मटेरियल में गड़बड़ की थी आंटी के कहने पे, क्योंकि आंटी यूनजियांग को नीचा दिखाना चाहती थी। तो बीए कहता है, अगर तुम सबके सामने सच बोल दो तो मैं तुम्हें जॉब से नहीं फेंकूंगा। रिपोर्टर्स आंटी को घेर लेते हैं और ये दोनों खुश हो रहे थे, बुढ़िया की अकल ठिकाने आ गई होगी। ग्रैंडपा आंटी को डांटते हैं कि तुमने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। यूनजियांग वास लाइक, जी ग्रैंडपा, इसने बिल्कुल सही नहीं किया। और आंटी गुस्से में ग्रैंडपा आंटी को वाइस चेयरवुमन की पोजीशन से फायर कर देते हैं। तो यूनजियांग उसे चिढ़ा के भाग जाती है। आंटी कहती है, यूनजियांग मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यूनजियांग हेल्प के लिए बीए का थैंक यू करती है। वो कहता है, मैंने फ्री में तुम्हारी हेल्प नहीं की। वो कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकती। शी वाज लाइक, क्या कहा? वो कहता है, कुछ नहीं, या तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे ट्रीट देने को कहा था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करो, मेरे साथ खेलो और मुझे घर तक छोड़ के आओ। वो कहती है, देखो मैं मिस्टर फू की फियांसे हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मिस्टर फू प्रॉब्लम में। वो कहता है, मिस्टर फू इस बार मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम्हारी मॉम को तो तुम्हारे और मिस्टर फू के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्यों ना मैं। वो कहती है, बीए तेरी तो खैर नहीं। और फिर उसके साथ डिनर करने वाली थी और कहती है, ये सारे डिशेस तो मिस्टर फू के घर पे भी हैं। वो कहता है, फिर से मिस्टर फू? जब तुम मेरे साथ हो तो उसका नाम मत लो, बताओ तुम्हें क्या खाना है। वो कहती है, मुझे हॉटपॉट। तो वो उसके लिए हॉटपॉट मंगवाता है। तभी वहाँ मिस्टर फू भी आ जाता है। यूनजियांग खुश हो रही थी। मैनेजर मिस्टर फू के कान में उसे बेस्ट ऑफ लक करके चला जाता है। बीए कहता है, यूनजियांग को स्पाइसी पसंद है। मिस्टर फू कहता है, यूनजियांग को सबसे ज्यादा नूडल्स पसंद है। बट बीए तो यूनजियांग की फेवरेट डिश की सारी लिस्ट बता देता है। वो भी हैरान और पूछती है, तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? वो कहता है, तुम्हारी मॉम ने बताया। मिस्टर फू, तुम तो यूनजियांग की मॉम से अभी तक मिले भी नहीं होंगे। मिस्टर फू वास लाइक, पोपट हो गया। डिनर के बाद बीए यूनजियांग को अपने हाथ से फ्रूट खिलाने लगा था। वो देखती है कि मिस्टर फू गुस्से में, तो फ्रूट लेकर कहती है, नहीं मैं खुद ही खा लूंगी, और खाने लगी थी। मिस्टर फू कहता है, मुझे खिलाओ। बी कहता है, तुम इतने बड़े हो गए खुद से खा भी नहीं सकते। मिस्टर फू वास लाइक, हम घर पे हमेशा ऐसे खाते हैं, है ना यूनजियांग? ये कपल के बीच की बात है, तुम क्या जानो इस बारे में। बी कहता है, मैं तुझे खिलाता हूँ मिस्टर फू। और यूनजियांग से फ्रूट लेकर उसे खुद खिलाने लगा था। मिस्टर फू उससे गुस्से से छीन के कहता है, यूनजियांग लो ये तुम्हारे लिए। यूनजियांग को तो फंदा लग जाता है। तो वो दोनों उसे पकड़ के कहते हैं, तुम ठीक हो? बी उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो मिस्टर फू उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर क्या, दोनों आशिक अपनी माशुका को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। बी यूनजियांग की पीठ पे थपथप करता है। तो मिस्टर फू भी यूनजियांग के और तेज तेज थपथप करता है। फिर क्या, वो दोनों के दोनों यूनजियांग की पीठ पे मार मार के उसे सुझा देते हैं। तो वो चिल्ला के कहती है, हटो बे, तुम दोनों मेरी जान लोगे क्या? तो वो दोनों चुप। वेटर आकर बताती है कि आज कपल एनिवर्सरी है, तो ये हेयर बैंड स्पेशली कपल्स के लिए है।
युनजिया खुशो के हेयर बैंड ले लेती है। बीए उसे एक हेयर बैंड छीन कर खुद पहनने लेता है और मिस्टर फू को बनके दिखा रहा था, तो मिस्टर फू भी युनजियांग से दूसरा वाला हेयर बैंड छीन के खुद पहन लेता है। युनजियांग वास लाइक मुझे तो कोई हेयर बैंड नहीं मिला, जबकि वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जब वो जा रहे थे तो मैनेजर और युनजियांग को हंसी आ रही थी। बीए कहता है युनजियांग तुम मुझे घर छोड़ के आओ। वो कहती है तुम खुद ही नहीं जा सकते। वो मना करता है तो मिस्टर फू कहता है युनजियांग मेरे साथ घर जाएगी। वो कहता है पर उसने मुझे प्रॉमिस किया है। मिस्टर फू वास लाइक ठीक है तो मैनेजर कार निकालो, और फिर खुद बीए को छोड़ने चला जाता है। युनजियांग वास लाइक तुम दोनों पगला गए हो क्या, मुझे अकेले सड़क पे छोड़ दिया। मिस्टर फू कहता है तुझे नहीं लगता तू बच्चों की तरह हरकत कर रहा है जिसे उसका फेवरेट खिलौना ना मिले। बीए कहता है मैं युनजियांग को लाइक करता हूँ, चाहे वो लाइक करे या ना करे, मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो सकता हूँ, पर तू उसे कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मिस्टर फू चुप था। जब ये उतरने लगा था तो कहता है रुक, जाने से पहले हेयर बैंड तो देके जा। घर आके वो युनजियांग को उठा रहा था क्योंकि वो गुस्सा थी, और कहती है तुम मुझे सड़क पे कैसे छोड़ सकते हो। वो कहता है सॉरी मैं बस उसे तुम्हारे साथ नहीं देख सकता था, और उसे हेयर बैंड देता है। वो कहती है तुमने ये वापस ले लिया। वो उसे पहना के कहता है क्योंकि ये कपल्स के लिए है। वो खुश होती है और फिर कहती है मैं सोच रही थी हमारा फेक मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है, एक रियल कपल को कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थोड़ी ना है। वो कहता है ओके मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा, अब से तुम मेरे रियल फियांसे हो। वो खुश होती है तो वो उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। वो कहती है रुको ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, अभी तुम मेरे इंटर्न बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के ही मैं तुम्हें ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। वो कहता है ओके, बट उसे एकदम से किसका लेता है। वो कहती है मिस्टर फू चीटर कहीं के, और शर्माते हुए ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाती है, बट वो स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों एक ही बेड पे लेट रहे थे तो नर्वस थे। वो कहती है चलो सोते हैं, और आइस बंद कर लेती है। वो कहता है ओके मैं तुम्हें सोते हुए देखता रहूंगा। वो कहती है अगर तुम मुझे देखोगे ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। वो कहता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो उसकी आंखें बंद देख उसे लिपट के लेट जाती है। वो हैरान फिर उसे थपथपाने लगता है और सोचता है अब मुझे नींद कैसे आएगी। वो स्माइल करती हुई सो जाती है। नेक्स्ट सीन में युनजियांग और मिस्टर फू दोनों झूला झूल रहे थे, और वो उसके शोल्डर पे सिर रख लेती है, और फिर पता चलता है कि ये युनजियांग का सपना है। वो मजे से उठती है पर उसे देख कहती है तुम्हें क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे उठ गए, तुम्हारी आईज के नीचे डार्क सर्किल कैसे हो गए। वो कहता है क्योंकि मैं जाग रहा था। वो पूछती है पर क्यों। ही वाज लाइक तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है मुझे क्या पता। वो कहता है रहने दो तुम नहीं समझोगी, मैं आज से अपने रूम में सोऊंगा, और सोने लगा था। तभी युनजियांग को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है, जो बता रही थी कि उसकी आंटी और कजन उनसे मिलने आए हैं। वो कहती है ये दोनों यहाँ क्यों आए। उसे हॉस्पिटल जाते देख वो कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो कहती है पर मैंने मॉम को तुम्हारे बारे में अभी बताया नहीं है। उसे सैड देख कहती है सैड मत हो, हमने पहले कॉन्टेक्ट किया था ना, मुझे उन्हें पूरी बात बतानी होगी। डोंट वरी मेरी मॉम तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगी। मिस्टर फू वाज लाइक ऐसा हो सकता है कोई लड़की मुझे पसंद न करे, तो वो उसे बाय करके चली जाती है। इधर आंटी और कजन मॉम की चापलूसी कर रहे थे और कहते हैं हमने तुम्हें एक बार पैसे दिए थे, फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए अमीर हस्बैंड ढूंढ लिया है तो वो तो हमें भूल ही गई होगी। मॉम कहती है कौन सा अमीर हस्बैंड। युनजियांग कहती है हाँ दिए थे तुमने पैसे सिर्फ 500, और अगले महीने ही ले लिए वो भी 50% ब्याज पे। आंटी और कजन उनसे पैसे मांगते हैं कि तू तो मिस्टर फू की फियांसे है उससे पैसे ले ले, ज्यादा नहीं सिर्फ 10-20 मिलियन चाहिए। शी वाज लाइक 10-20 ज्यादा नहीं है ये, हाँ अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, दोनों के दोनों निकलो यहाँ से, और उन्हें भगा देती है। उनके जाने के बाद मॉम से कहती है डोंट वरी मॉम, मैंने डॉक्टर को कह दिया है कि अब वो उन्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। मॉम कहती है मुझे सच सच बताओ ये मिस्टर फू कौन है। वो कहती है मॉम मुझे लव हो गया। मॉम कहती है क्या तू उसके साथ इसलिए रह रही है ताकि मेरे ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर सके, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रही, चल यहाँ से। वो कहती है रुकिए मॉम मैं उसे सच में लाइक करती हूँ। तो मॉम खुश होकर कहती है रियली मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तो वो शर्मा जाती है,
मैनेजर मिस्टर फू को बताता है कि दो लोग मिलने आए हैं और बोल रहे हैं कि वो युनसियांग के रिश्तेदार हैं, और पता चलता है ये वही दो नमूने हैं। युनसियांग उन दोनों को देख कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों दांत निकालते हैं। युनसियांग उन्हें घर से निकलने को बोल रही थी, तो आंटी कहती है, तूने मिस्टर फू को झूठ बोला है ना कि तू यून ग्रुप की बेटी है, तो हम तेरा सच उसे बता देंगे, वरना मिस्टर फू से पैसे दिलवा हमें। और मिस्टर फू से 10-20 मिलियन मांगने लगती है। युनसियांग कहती है, मिस्टर फू इन पे यकीन मत करो, ये फ्रॉड्स हैं। मिस्टर फू कहता है, इट्स ओके, मैं देख लूंगा, पैसों का काम मेरे मैनेजर देखता है। मैनेजर जाओ, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। मैनेजर बस लाइक ओके बॉस, और फिर उन दोनों को बाहर फिकवा देता है। आंटी कहती है, मैं सबको बता दूंगी कि युनसियांग यून ग्रुप की बेटी नहीं है। मैनेजर कहता है, कोशिश करके तो देखो, हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, और उन्हें भगा देते हैं। युनसियांग मिस्टर फू को कहती है, हमें ग्रैंडपा को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। वो कहता है, ग्रैंडपा को भी हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि वो इस सदमे को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हम सही टाइम आते ही उन्हें सब सच बता देंगे। तो वो हाँ करती है। वो कहता है, तुम मुझे मॉम से कब मिलवा रही हो? वो कहती है, कौन सी मॉम? वो कहता है, मेरी फ्यूचर सासू माँ। वो शर्माती हुई कहती है, हम कल मिलेंगे। नेक्स्ट डे वो देखती है कि मिस्टर फू घर पे नहीं है, और तो और आंटी और कजन वहीं पे हैं, तो वो डर जाती है। इनफेक्ट वो दोनों उनके घर पे नौकर बन के आए थे, तो कहती है, निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो कहते हैं, हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, तुम क्या पुलिस भी हमें बाहर नहीं फेंक सकती? तभी ग्रैंडपा की आवाज आती है, तो वो डर के मारे उन दोनों को किचन में छुपने के लिए कहती है, बट वो दोनों तो नहीं छुप रहे थे। तभी आंटी ग्रैंडपा को लेकर आ जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम्हारी आंटी बता रही थी कि तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, कहाँ है वो? मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। युनसियांग की तो हवा संड हो रही थी। आंटी के इशारे पे वो दोनों कहते हैं, मैं युनसियांग की आंटी हूँ और ये कजन। ग्रैंडपा वाज लाइक, युनसियांग ये क्या है? युनसियांग चुप, बट आंटी स्माइल कर रही थी। इधर मिस्टर फू मैनेजर के साथ युनसियांग के लिए खुद से टोफू लेके आ रहा था, जो उसके फेवरेट है, बट एक्सीडेंटली टोफू का कटोरा पलट जाता है, तो वो सैड होते हैं। इधर युनसियांग ग्रैंडपा को बता देती है कि मैं यून ग्रुप की बेटी नहीं हूँ, मैंने मिस्टर फू से शादी करने के लिए झूठ बोला था, पर फू को इस बारे में कुछ नहीं पता। युनसियांग की आंटी कहती है, मिस्टर फू और युनसियांग दोनों ही दूसरे को कितना लाइक करते हैं, तो हम फैमिली ही हुए, बस हमें पैसे दे दीजिए। मिस्टर फू की आंटी कहती है, ग्रैंडपा मुझे लगता है युनसियांग के साथ तो कोई तो मिला हुआ है, वरना वो फू फैमिली में कैसे आ सकती है? बताओ, किसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा? वो कहती है, मैंने सब अपनी मर्जी से किया है। तभी मिस्टर फू और मैनेजर भी वहाँ आ जाते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या ये जो बोल रही है वो सच है? युनसियांग उसे सच बताने से मना कर रही थी, बट वो कहता है, मैंने युनसियांग को ये सब करने के लिए कहा, बट युनसियांग मना करती है। ग्रैंडपा वाज लाइक, तुम दोनों चुप हो जाओ। और उन्हें खांसी होने लगी थी, तो वो कहती है, ग्रैंडपा प्लीज गुस्सा मत हो, आई एम सॉरी, इसमें मेरी गलती है। ग्रैंडपा कहते हैं, युनसियांग तुम्हें यहाँ से जाना होगा और कभी मत आना। और बेहोश हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। ट्रीटमेंट के बाद ग्रैंडपा ने युनसियांग को रूम में बुलाया था, तो आंटी कहती है, तूने सही नहीं किया मिस्टर फू। वो कहता है, तुम ज्यादा मासूम मत बनो, मुझे पता है कार एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है, उसके प्रूफ अभी भी है। आंटी कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि जो तुम चाहते हो मैं वही बक दूं, और चली जाती है। युनसियांग बाहर आकर कहती है, मिस्टर फू हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो कहता है, तुम क्या बोल रही हो, मैं ग्रैंडपा से बात करता हूँ और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो कहती है, रहने दो, ये मेरा खुद का फैसला है। मिस्टर फू कहता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़ना चाहती हो? वो कहती है, मैंने जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया वो बहुत प्रीशियस था, पर ग्रैंडपा को इस टाइम तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, किसी दिन तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। और रोते हुए चली जाती है। मिस्टर फू कुछ नहीं बोल पाता। इधर युनसियांग की आंटी और कजन मिस्टर फू की आंटी से पैसे मांगने आ गए थे, बट वो उन दोनों को पुलिस की धमकी देकर बाहर फेंकवा देती है। युनसियांग को सैड देख मॉम पूछती है, बट वो कहती है, मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है, पर तू तो बोल रही थी कि आज मिस्टर फू मुझसे मिलने आएगा। वो कहती है, मिस्टर फू वो काम में बिजी है। मॉम कहती है, झूठ मत बोल, जरूर तेरे साथ कुछ हुआ है, बता क्या हुआ। वो कहती है, मेरी एक फ्रेंड है, वो जिससे लव करती है किसी रीजन की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती, उसकी लव स्टोरी एक बर्ड और फिश की तरह है, दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। मॉम कहती है, तूने ड्रामास में नहीं देखा,
माय गर्लफ्रेंड इज एलियन, माय गर्लफ्रेंड इज मरमेड, उनके हीरो हीरोइन अलग अलग होने के बावजूद भी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करके एक हो जाते हैं। लास्ट में होती है हैप्पी एंडिंग। वो कहती है सिर्फ ड्रामास में हैप्पी एंडिंग होती है, रियल लाइफ में नहीं। मॉम कहती है तुम्हें हर प्रॉब्लम्स का हिम्मत से सामना करना चाहिए ताकि किसी अपने को खोने के बाद पछताना न पड़े। मिस्टर फू ग्रैंडपा को बताता है कि ये सब उसी की गलती है, युनसियांग एकदम निर्दोष है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें ये लगता है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, पर अब इन बातों को यही खत्म करो। युनसियांग ने प्रूफ किया कि वो कभी तुमसे मिलने नहीं आएगी, इसलिए तुम उसे ढूंढने मत जाना। तुम दोनों बिल्कुल अलग अलग हो तो यही सही है। वो कहता है पर मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर तुझे बिजनेस और लव में से किसी एक को चुनना होगा, और चले जाते हैं। मिस्टर फू को सोच रहा था बीए को युनसियांग के ब्रेकअप का पता चल गया था, इसलिए वो उसका हालचाल पूछने आता है, बट वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है मिस्टर फू तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं, तुम्हें पता है मैं तुम्हें। वो कहती है बस बहुत हुआ, मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। तभी मिस्टर फू वहाँ जाता है। वो कहता है तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर फू उसे इग्नोर करके कहता है युनसियांग मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। युनसियांग उसे जाने को कहती है तो बीए कहता है युनसियांग तुझसे नहीं मिलना चाहती। वो कहता है ये मेरे और युनसियांग के बीच की बात है, युनसियांग मुझे तुमसे सीक्रेटली कुछ बात करनी है। तो युनसियांग बीए को जाने को कहती है। वो कहता है अगर तुमने युनसियांग को कुछ कहा तो मैं तुझसे उसे वापस छीन लूंगा, और चला जाता है। मिस्टर फू युनसियांग को बताता है कि ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें और बिजनेस में से किसी एक को चुनने को कहा था, तो मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। और फिर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। युनसियांग तो एकदम हैरान थी। वो कहता है 7 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरे डैड की डेथ हो गई थी और मेरी लेग्स जख्मी हो गई थी क्योंकि आंटी ने ब्रेक्स फेल करवा दिए थे, पर मैंने फॉरन में रह के अपने लेग्स का इलाज करवाया, बट ये बात सीक्रेट रखी ताकि आंटी फिर से कुछ नया प्लान न बना दे। पिछली बार मैं अपने डैड के असिस्टेंट से मिलने फॉरन गया था, उसने बताया कि आंटी ने एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटा दिए, और मैंने आंटी से सच उलवाने की कोशिश की पर बात नहीं बनी। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मेरे लाइफ की सनशाइन हो जिसने मेरे कोल्ड हार्ट को पिघला कर उसमें रोशनी कर दी। ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, अब हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं, तो प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। युनसियांग उसे हक्का लेती है। वो कहता है आई लव यू। वो कहती है आई लव यू टू। और फिर दोनों किस करते हैं। मिस्टर फू उसे बेड पे गिरा लेता है और किस करने लगा था, पर वो उसे रोक के पूछती है पहले बताओ ग्रैंडपा के बर्थडे वाले दिन क्या तुम मुझे घर उठा के लेके गए थे और तुम ही ने मेरे कपड़े चेंज किए थे। वो उसका हाथ पकड़ कहता है सब कुछ जो मैंने देखना चाहिए था और जो नहीं देखना चाहिए था मैंने सब देख लिया। वो कहती है मिस्टर फू तुम डेविल हो, बट वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है और फिर लिप्स पे। आंटी मिस्टर फू की सीओ वाली प्लेट हटाकर डस्टबिन में फेंक देती है। युनसियांग आके कहती है तुम्हें क्या लगता है सीओ बनना इतना आसान है, मैं और मिस्टर फू एक साथ हो गए हैं। मिस्टर फू को हमेशा लगता है कि किसी ने जानबूझ के वो कार एक्सीडेंट करवाया था, उसने कई साल पहले रिसर्च भी की और फॉरन भी गया। क्या तुम्हें मिस्टर फू के डैड का असिस्टेंट याद है, असिस्टेंट ने बताया कि एक्सीडेंट के टाइम पे जो भी हुआ सब रिकॉर्ड है, वो भी पेन ड्राइव में। आंटी बौखला जाती है और कहती है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। युनसियांग कहती है मुझे पैसे नहीं, कंपनी में चेयरवुमन की पोजीशन चाहिए, इसमें हम दोनों का फायदा है। आंटी उसके क्लोज हो जाती है और वो पेन ड्राइव छीन के पैर से कुचल देती है, तो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे धमकाओगी। वो कहती है कुछ तो शर्म करो, मिस्टर फू के डैड तुम्हारे भाई थे। आंटी कहती है वो मेरा सगा भाई नहीं था, उसके होते हुए ग्रैंडपा कभी मुझे कंपनी नहीं देते, तो कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी ग्रैंडपा और मिस्टर फू वहाँ आ जाते हैं। आंटी हैरान, ग्रैंडपा गुस्से में थे। वो ग्रैंडपा से माफी मांगती है, बट ग्रैंडपा कहते हैं मैंने हमेशा तुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया, पर प्रॉपर्टी के लिए तूने अपने ही सगे भाई को मार डाला, अब से हमारे बीच बाप बेटी का कोई रिश्ता नहीं, और चले जाते हैं। आंटी रोती रोती पागल हो जाती हैं। युनसियांग कहती है वो पेन ड्राइव तो खाली थी, हमने उस आंटी का पोपट बना दिया। मिस्टर फू कहता है पुलिस आंटी को पकड़ के ले गई, पर ग्रैंडपा काफी सैड हैं, तो हमें उन्हें खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर युनसियांग को रिंग दिखाकर कहता है क्या तुम उससे शादी करोगी। वो हाँ करती है, तो वो उसे रिंग पहना देता है और फिर दोनों पैशनेटली किस करते हैं। मॉम खुश होकर युनसियांग को वेडिंग गाउन पहना के रेडी कर रही थी,
वो कहती है सबके मॉम अपनी बेटियों की शादी में रोती है, आप पहली ऐसी मॉम हो जो खुश हो रही हो। तो मॉम और खुश होती है। वो कहती है अगर मिस्टर फू ने शादी के बाद मुझे बुली किया तो? मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तू ही उसे बुली करेगी नॉटी गर्ल। वो कहती है पर आप उसके साइड क्यों ले रही हो, आप तो मेरी मॉम हो ना। मॉम वाज लाइक ओके ओके। ग्रैंडपा भी मिस्टर फू की शादी में आते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी मुझे समर से पहले बेबी दे दो तो मैं तुम दोनों से गुस्सा नहीं होऊंगा, यही तुम्हारा मिशन है। वो कहता है ग्रैंडपा समर तक तो काफी कम टाइम होगा, हो सकता है मिशन कंप्लीट ना हो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ही वाज लाइक ओके ग्रैंडपा, आपका हुक्म सराखों पर। फिर मिस्टर फू और युनसियांग की वेडिंग हॉल में एंट्री होती है, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और खुशी का तो पूछिए मत कि दोनों कितने खुश हैं। मैनेजर वाज लाइक बस यही दिन का इंतजार था मुझे। वो दोनों किस करते हैं तो सब क्लैप करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।